हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। हाय फ्रेंड्स, आज हम मालूम करेंगे चलती गाड़ी में LSRSI बत्ती जलने पर ट्रैवल शूट कैसे करें। LSRSI सिग्नलिंग लैंप फॉर RSI। जब RSI ब्लॉक में कोई भी टेल फ्यूज प्रोजेक्ट होता है तो LSRSI बत्ती जलती है। तो चलती ट्रेन में यदि LSRSI बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए ये मालूम कर लेते हैं। ये बत्ती जलने का कारण होता है RSI ब्लॉक में टेल फ्यूज प्रोजेक्ट होना। अगर LSRSI बत्ती जलने लगे तो फर्स्ट हमें TM करंट, TM वोल्टेज, OHE वोल्टेज एंड MPS का पोजीशन नोट करेंगे। उसके बाद MP को 0 में करेंगे। MP की ऑन 0। ये TM करंट, TM वोल्टेज, OHE वोल्टेज एंड MPS पोजीशन नोट करने का रीजन है कि आगे जब गाड़ी काम करेंगे तो इससे मिनिमम कम करंट, कम वोल्टेज और OHE वोल्टेज और MPS पोजीशन यूज करेंगे। MP को 0 में करेंगे, ये ट्रिप कर लेंगे। RSI ब्लॉक 1 और 2 को जा करके देखेंगे जो भी टेल फ्यूज प्रोजेक्ट हुआ है उसको रिमूव करेंगे और फिर DJ क्लोज करेंगे और देखेंगे कि LSRSI लैंप बुझ गया। टेल फ्यूज रिमूव क्यों करेंगे मालूम कर लेते हैं। टेल फ्यूज को रिमूव करने से LSRSI लैंप बुझ जाता है, जिससे कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से अगर कोई टेल फ्यूज प्रोजेक्ट हुआ तो हमें मालूम चल जाएगा कि फिर दूसरा कोई टेल फ्यूज प्रोजेक्ट हुआ है। फिर आगे गाड़ी काम करते समय कोई और RSI ब्लॉक का टेल फ्यूज प्रोजेक्ट हो जाए तो फिर उसका करंट रेटिंग, TM वोल्टेज और OHE वोल्टेज और MPS पोजीशन नोट करेंगे और दोनों में जो भी मिनिमम करंट, TM वोल्टेज और OHE वोल्टेज और MPS पोजीशन होगा उस करंट रेटिंग से आगे गाड़ी काम करेंगे, यानी कि मिनिमम करंट यूज करेंगे दोनों में से जो भी कम हो। अगर कोई सेम ब्लॉक में 2 या 2 से अधिक टेल फ्यूज मेल्ट हो गया तो संबंधित ब्लॉक को ही आइसोलेट कर देंगे। अगर RSI 1 या RSI 2 ब्लॉक में कोई भी 2 या 2 से अधिक टेल फ्यूज प्रोजेक्ट हुआ तो उस संबंधित ट्रक को आइसोलेट करेंगे। ट्रक को आइसोलेट करने के लिए HVSI, HVSL और HVMT स्विच है उसका पोजीशन चेंज करके 0 करेंगे, जिससे कि संबंधित ट्रक आइसोलेट हो जाएगा। यानी कि अगर RSI 1 ब्लॉक आइसोलेट करना है तो HVSI 1, HVSL 1 और HVMT 1 को 0 में करेंगे। इसी प्रकार अगर RSI 2 ब्लॉक को आइसोलेट करना है तो HVSI 2, HVSL 2 और HVMT 2 स्विच को 0 में करेंगे, जिससे कि RSI 2 ब्लॉक आइसोलेट हो जाएगा। कुछ लोगों में टेल फ्यूज के जगह LED रहता है RSI ब्लॉक पे। जैसे टेल फ्यूज 12 होता है वैसे ही LED भी 12 होता है, लेकिन 12 के लिए 12 टॉगल स्विच होता है। जो भी LED ग्लो होगा उसका टॉगल स्विच का पोजीशन चेंज कर देंगे, जिससे कि LSRSI लैंप बुझ जाएगा। अगर 2 या 2 से अधिक LED लैंप ग्लो हुआ तो उससे संबंधित RSI ब्लॉक को आइसोलेट करेंगे और आगे गाड़ी काम करेंगे। यदि कोई RSI ब्लॉक आइसोलेट किए तो ट्रक आइसोलेट हो जाता है, जिससे कि 50% लोड में गाड़ी काम करेंगे। यदि लोड और रोड परमिट नहीं होगा तो बैंकर का डिमांड करेंगे। लॉग बुक में रिमार्क लिखेंगे और TLC को इन्फॉर्म करेंगे। इस प्रकार हम LSRSI बत्ती जलने पर ट्रैवल शूट करेंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।